अगर आप वाइग्रा का सेवन बहुत ज्यादा दिनों तक करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इम्पोटेंसी के बारे में। जी हाँ, इम्पोटेंसी जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पेनिस को इरेक्ट होना या उसका जो इरेक्शन है वो बहुत देर तक नहीं रहता है, और ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है आज के समय में। भारत में, इंडिया में लगभग 10 मिलियन पीपल यानी कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बट अगर कोई भी इंसान इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी से परेशान है, ये वीडियो खासकर आपके लिए है और इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें क्यों हो जाता है या हम इस परेशानी से क्यों ग्रसित हो जाते हैं? जब हमारा ब्लड हमारे पेल्विक रीजन में ठीक से नहीं पहुंचता है तो वो जो ब्लड है वो हमारे पेनिस में भी नहीं जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पेनिस में वो स्ट्रेंथ, वो इरेक्शन नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हार्ट डिजीजेस और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं, तो आपको मैं 4 योगासन बताता हूं। अगर आप ये 4 योगासन रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों पर इस योगाभ्यास को प्रैक्टिस भी किया गया है एज एन रिसर्च, और देखा गया है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो गया है। बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो 4 योगासन। तो हमारा सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम प्रारंभिक स्थिति में बैठेंगे, जिसमें हमारे पैर सीधे होंगे, हमारी कमर, पीठ, गर्दन सीधी हो, अपने हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाते हुए और अपनी कमर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें अपनी कमर से आगे की ओर बढ़ना है, हमारे पेल्विक रीजन पर प्रेशर पड़ेगा, हम आगे की तरफ बढ़े, आपका पेट आपकी थाइस पर, और हम आगे की तरफ अपने आप को खींच कर रखें। पैर हमारे सीधे, पीठ हमारी सीधी, गर्दन हमारी आगे की ओर अपने आप को खींच कर रखें। इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। कोशिश करें कि 10 सेकंड तक आप इस पोजीशन में होल्ड रखें अपने आप को, और धीरे धीरे अपने पेट को आगे, झुकना नहीं है, पेट को कर्व नहीं करना है, आगे की ओर रहेंगे। पश्चिमोत्तानासन को भी हम 2 से 3 बार 10-10 सेकंड तक करेंगे और फिर वापस। कोशिश करें कि धीरे धीरे आपका पूरा आगे का शरीर हमारे पैरों से टच हो जाए, पेट आपका थाइस पर और सीना आपका घुटने के पास, धीरे धीरे आप आगे की ओर। हमारा दूसरा आसन है तितली आसन या बंद कोण आसन। इसमें हम अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ करके अपने हील्स को अपने बॉडी के नजदीक और धीरे धीरे अपने पैरों को चलाना शुरू करें। इसको हम इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज और हिंदी में तितली आसन या बंद कोण आसन भी कहते हैं। इसमें हम जब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर और नीचे, तो ये हमारे पूरे पेल्विक रीजन पे असर करता है, हमारी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हमारे पेल्विक रीजन में अच्छे से पहुंचता है। कोशिश करें कि आपके जो पैर है वो आपके बॉडी के नजदीक ही रहे। आगे भागते हैं तो फिर से इन्हें पीछे पकड़ कर लाना है। इस आसन को भी हम 10 से 15 सेकंड तक 3 से 4 बार तक आराम से कर सकते हैं, बंद कोण आसन। हमारा तीसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए हम अपने मैट पर पूरी तरीके से फ्लैट लेट जाएं, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे हम अपने अपर बॉडी और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं कि आपकी थाइस ऊपर हो जाए, आपका पूरा वेट हमारे पेट तक, और जितना देर हम इस पोजीशन में आराम से रुक सकते हैं रुकेंगे। तो धनुरासन को भी हम 2 से 3 बार तक 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें हर एक पोजीशन में और फिर नीचे। हमारा चौथा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे सर तक लाता है। इसके लिए हम अपने मैट पर पूरी तरीके से फ्लैट लेट जाएं, पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्रीज, धीरे धीरे अपने कमर को, अपनी पीठ को ऊपर उठाना है, पूरा सीधा होंगे,
आपका चिन आपके कॉलर बोन से टच हो, पैर हमारे सीधे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में 10 से 15 सेकेंड, 3 से 4 राउंड करेंगे और फिर नीचे। अक्सर ये भी देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में या इम्पोटेंसी के केस में बहुत सारे लोग मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वायग्रा, जो कि एक बहुत ही कॉमन अवेलेबल मेडिसिन है मार्केट में। अगर आप वायग्रा का सेवन बहुत ज़्यादा दिनों तक करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में योगा अभ्यास सबसे असरदार एक्सरसाइज मानी गई है या सबसे असरदार अल्टरनेट मेडिसिन माना गया है। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से हमारे ओवरऑल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है, बट हमें मेंटली बहुत परेशान करता है। तो अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको आप ये चार आसन जरूर बता सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप इन आसनों को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो ये प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी का, ये धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चार आसन और ये वीडियो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड टेक केयर।